एक नया महीना आए और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मई का महीना सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने का मौसम क्लियर आसमान को सपोर्ट करता है, जिससे ऑब्जर्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस समय भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कंजंक्शन से लेकर मीटियोर शावर्स तक यह महीना एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से भरा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में बताने वाले हैं। इवेंट्स के साथ साथ हम आपको उन्हें देखने की गाइड भी देंगे, जिस वजह से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। इन कैटेगरीज को आसमान में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स और उनकी अलाइनमेंट के हिसाब से बांटा जाता है। मई का महीना प्लैनेट्स को देखने के लिए सबसे परफेक्ट होता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही है। इस महीने आप प्लैनेट्स के कंजंक्शन और अकल्टेशन को देख पाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंजंक्शन इवेंट एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें ग्रह एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। असल में उनके बीच की दूरी करोड़ों किलोमीटर होती है, लेकिन आसमान में वह एक दूसरे से मात्र कुछ सेंटीमीटर दूर दिखते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, जिसमें साइंटिस्ट्स को एक ही समय पर मल्टीपल प्लैनेट्स को स्टडी करने का मौका मिल जाता है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट कंजंक्शन से भी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है। इसमें मल्टीपल प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, यानी एक लाइन में आ जाते हैं। इससे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, जिसकी कुछ तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंजंक्शन इवेंट नंबर 1, वीनस एंड एलनथ स्टार कंजंक्शन इवेंट। इस साल का पहला कंजंक्शन इवेंट 1 मई को होगा, जिसमें शुक्र ग्रह एलनथ नाम के स्टार के साथ दिखाई देगा। वीनस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली ऑलमोस्ट 70% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से यह आसमान में बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने के अलावा यह सूर्य की मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिस वजह से यह हमारे सौरमंडल का हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस ऑलमोस्ट पूरे साल आसमान में दिखाई देता है, लेकिन इसे ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा मौका मार्च और जून के बीच में होता है। 1 मई को यह एलनथ के साथ सुबह 3:30 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा। एलनथ एक बहुत ही ब्राइट तारा है, जो टोरस नाम के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसका सरफेस टेम्परेचर अराउंड 13,000 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सूर्य के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। एक कंपैरिजन के लिए बता दें कि हमारे सूर्य का सरफेस टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस है। जिम कालर नाम के वैज्ञानिक बताते हैं कि एलनथ का द्रव्यमान सूर्य के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके केंद्र में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन इसे सूर्य के मुकाबले 700 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि यह तारा आसमान में इतना ब्राइट दिखाई देता है। शुक्र और एलनथ को क्लियरली देखने के लिए आप सुबह 4 बजे आसमान को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सनराइज के पहले वीनस ईस्टर्न स्काई में दिखाई देता है। इसकी ब्राइटनेस की वजह से आपको इसे ढूंढने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आप वीनस को लोकेट कर लेते हैं तो एलनथ आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के बीच मात्र 2 डिग्री 57 मिनट्स की दूरी होगी और यह इवेंट भारत से भी क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, तो एलनथ को देखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद शुक्र ग्रह आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। अगर आप एलनथ को देखना ही चाहते हैं तो आप एक छोटे टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, स्पाइका एंड मून कंजंक्शन इवेंट। स्पाइका आसमान में दिखने वाले 20 सबसे चमकीले तारों में से एक है। यह असल में एक बाइनरी सिस्टम है, जिसमें 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों स्टार्स की कम्बाइंड ब्राइटनेस सूर्य के मुकाबले 12,100 गुना ज्यादा है। ये एक दूसरे से इतना क्लोज है कि ग्रेविटी की वजह से इनका शेप स्फीयर से अंडाकार हो चुका है। इन तारों का टेम्परेचर ऑन एवरेज 22,000 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सूर्य से 4 गुना ज्यादा है। इतने अच्छे फिजिकल फीचर्स होने के बावजूद इनका साइज बहुत ही कम है और यह ड्वार्फ स्टार्स के कैटेगरी में आते हैं। 4 मई की तारीख को यह बाइनरी सिस्टम चांद के साथ दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बीच की दूरी मात्र 2 डिग्री होगी, जो नॉर्मल कंजंक्शन इवेंट्स के मुकाबले बहुत कम है। स्पाइका के कंजंक्शन को वैज्ञानिक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें यह डाउट है कि इस स्टार सिस्टम में 2 नहीं बल्कि 4 या 5 तारे मौजूद हैं। इस चीज को कन्फर्म करने के लिए वह तारों से निकलने वाली लाइट को स्टडी करते हैं। जब यह बाइनरी सिस्टम चांद के नजदीक आता है तो इनकी लाइट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। इन्हीं चेंजेस को स्टडी करके इनके साइज, मास, ग्रेविटेशनल पुल और डेंसिटी जैसे फिजिकल फीचर्स का पता लगाया जाता है।
इस पूरी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इसी के जरिए वैज्ञानिक अरबों किलोमीटर दूर प्रेजेंट तारों की भी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा लेते हैं। यह इवेंट भी भारत से क्लियरली विजिबल होगा और इसकी भी टाइमिंग वीनस और एलनथ कंजंक्शन जैसी होगी। सुबह 4 बजे आप अपनी छत पर जाकर मून को ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्पाइका आपको अपने आप ही दिख जाएगा। अगर आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है तो आप स्पाइका के 2 अलग अलग तारों को भी देख पाएंगे। बिनोक्यूलर्स का इस्तेमाल करते हुए आप चांद के गड्ढों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं बिनोक्यूलर्स के थ्रू अपने कैमरे का इस्तेमाल करें तो आप उन गड्ढों की तस्वीरें भी खींच सकते हैं। वैसे तो यह इवेंट हर जगह से विजिबल होगा, लेकिन अगर आपके एरिया में लाइट पॉल्यूशन ज्यादा है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगी। लाइट पॉल्यूशन की वजह से स्पेस ऑब्जेक्ट्स धुंधले दिखने लगते हैं, जिससे उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पाइका की इस कंजंक्शन के बाद अगला इम्पोर्टेंट कंजंक्शन 9 मई को होगा। नंबर 3, 9 मई 2024 पोलक्स एंड मार्स कंजंक्शन इवेंट। इस दिन आप मंगल ग्रह को पोलक्स नाम के तारे के साथ आसमान में देख पाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरी करीब 5 डिग्री होगी, जो नॉर्मल कंजंक्शन इवेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यह इवेंट बहुत ही स्पेशल होगा। पोलक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तारा है। यह एक K0 स्टार है, यानी इसका तापमान सूर्य के मुकाबले काफी कम है। चौंकाने वाली बात यह है कि तापमान कम होने के बावजूद यह सूर्य से 2 गुना भारी और 9 गुना विशाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी ब्राइटनेस सूर्य के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है, जिस वजह से यह आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह स्टार अपनी मैक्सिमम एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में रिलीज करता है, जिसे हम इंसानों की आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। अगर इससे निकलने वाली सारी एनर्जी को काउंट किया जाए तो वह सूर्य के मुकाबले 43 गुना ज्यादा होगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2006 में वैज्ञानिकों ने इस तारे के आसपास एक ग्रह की डिस्कवरी की थी। थेस्टियस नाम के इस ग्रह को 2015 में इसका ऑफिशियल नाम मिला था। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद 5,500 एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी तुलना हम अपने सौरमंडल में मौजूद मंगल ग्रह से कर सकते हैं, जहां मंगल को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिनों का समय लगता है। वहीं थेस्टियस अपने तारे को मात्र 590 दिनों में रिवॉल्व कर लेता है। सीधी सी बात है कि एक नॉर्मल टेलीस्कोप के थ्रू थेस्टियस को देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप पोलक्स एंड मार्स को जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9 मई की शाम से ही यह दोनों ऑब्जेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आसमान में इन दोनों को ही आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। पोलक्स हमेशा एक दूसरे तारे के साथ आसमान में दिखाई देता है, जिसका नाम है कैस्टर। अगर आप सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढ लेते हैं तो कैस्टर और पोलक्स आपको इस दिशा में दिखाई देंगे। अगर आप पोलक्स को नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप मंगल के थ्रू भी इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट रेडिश कलर का दिखे और उसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट ना हो, वही मंगल ग्रह है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्लैनेट्स तारों की तरह ट्विंकल नहीं करते हैं और इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इजीली ढूंढा जा सकता है। भारत से भी यह कंजंक्शन इवेंट विजिबल होगा, लेकिन अगर आप मंगल को थोड़ा नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप एक बेसिक टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकल्टेशंस कंजंक्शन के अलावा इस महीने कई सारे अकल्टेशन इवेंट्स भी विजिबल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकल्टेशन इवेंट्स में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के सामने से गुजरता है। सामने से गुजरने की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है और एक एक्लिप्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। नंबर 1, मून एंड सैटर्न अकल्टेशन इवेंट। महीने का पहला अकल्टेशन 3 मई को होगा, जिसमें हमारा चांद शनि ग्रह को अकल्ट करेगा। सैटर्न हमारे सौरमंडल का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। इसका वायुमंडल मेनली हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है और इसके पास करीब 140 मून्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास एक रिंग सिस्टम भी है। इस रिंग सिस्टम की वजह से इसे सौरमंडल का सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट भी माना जाता है। अगर आप एक बेसिक टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस रिंग सिस्टम को पृथ्वी से भी देख सकते हैं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिस वजह से इसे देखना काफी आसान होता है। नंबर 2, मून एंड नेपच्यून अकल्टेशन इवेंट। इसके अगले ही दिन यानी 4 मई को आप नेपच्यून के अकल्टेशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस इवेंट में भी हमारा चांद ही नेपच्यून को अकल्ट करेगा। वैसे तो यह इवेंट भारत से भी विजिबल होगा, लेकिन अगर आप एक लाइट पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो इसे देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेपच्यून और पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है और इस पर सूर्य की एनफ रोशनी भी नहीं पड़ती, जिस वजह से यह बहुत धुंधला दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके पास एक मीडियम पावरफुल टेलीस्कोप है तो आप इस प्लैनेट को आसानी से देख पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लूनर क्रेटर्स को भी बहुत डिटेल में ऑब्जर्व कर पाएंगे।
नेपच्यून के अकल्टेशन के अगले ही दिन आपको मार्स का अकल्टेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि इस दिन हमारा चांद मंगल ग्रह को एक्लिप्स करेगा। नंबर 3, मून एंड सैटर्न अकल्टेशन अगेन। इस महीने का आखिरी अकल्टेशन इवेंट 31 मई को होगा। उस दिन भी हमारा चांद शनि ग्रह को ही अकल्ट करेगा। अगर आप किसी वजह से 3 मई के इवेंट को नहीं देख सकते तो यह उसे देखने का दूसरा मौका होगा। ETA एक्वेरिड्स मीटियोर शावर। इस महीने एक इंटरेस्टिंग मीटियोर शावर भी होगा जिसमें हर घंटे करीब 60 मीटियोर्स दिखाई देंगे। इस मीटियोर शावर को ETA एक्वेरिड्स मीटियोर शावर कहा जाता है। 19 अप्रैल से 28 मई तक चलने वाला यह इवेंट 6 और 7 मई को अपनी पीक पर होगा, यानी इन दो दिन आपको सबसे ज्यादा मीटियोर्स दिखाई देंगे। यह मीटियोर शावर हेली नाम के एक कॉमेट की वजह से होता है। यह कॉमेट हर 76 साल में पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है और इसके द्वारा छोड़ी गई धूल हर साल ETA एक्वेरिड्स के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। इन मीटियोर्स को ही टूटते हुए तारों के नाम से भी जाना जाता है। जब कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स द्वारा छोड़ी गई धूल पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो उसका तापमान इंक्रीज हो जाता है। तापमान इंक्रीज होने की वजह से वह लाइट को रिलीज करने लगती है और चमकने लगती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ धूल का मतलब छोटे छोटे कंकड़ों से नहीं बल्कि विशाल पत्थरों से है। इन पत्थरों का साइज इतना परफेक्ट होता है कि यह कभी पृथ्वी की सतह तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। यह वायुमंडल में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मीटियोर शावर जैसे ब्यूटीफुल इवेंट को क्रिएट करते हैं। भारत से इस इवेंट को देखने का सबसे अच्छा मौका रात 12 बजे के बाद होगा। उस समय तक एयर पॉल्यूशन सेटल डाउन हो चुका होता है और नाइट स्काई नॉर्मल से डार्क दिखने लगता है। इस इवेंट को देखने के लिए भी आप टेलीस्कोप और बिनोक्यूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मीटियोर्स को तभी लोकेट कर पाएंगे जब आपके पास उनकी लोकेशन की परफेक्ट जानकारी होगी। ETA एक्वेरिड्स के मीटियोर्स एक्वेरियस नाम के कॉन्स्टेलेशन से आते हुए दिखते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन की दिशा का पता लगाने के लिए आप एक स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐसे कई एप्स मिल जाएंगे जिनके जरिए आप आसमान में कॉन्स्टेलेशन की लोकेशन पता लगा पाएंगे। द फ्लावर मून। फाइनली इस महीने का आखिरी नॉन कंजंक्शन इवेंट 23 मई को होगा। इस दिन आसमान में आपको एक फ्लावर मून दिखाई देगा। चिंता मत करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चांद एक फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मई में होने वाली पूर्णिमा को फ्लावर मून ही कहा जाता है। यह नाम आज से कई साल पहले नेटिव अमेरिकन द्वारा रखा गया था। मई के महीने में बहुत सारे फूल खिल उठते हैं और यही कारण है कि इस महीने की पूर्णिमा को फ्लावर मून कहा जाता है। तो ये थे मई 2024 में होने वाली इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। इनमें से आप कौन से इवेंट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।